हेलो दोस्तों। सो मैं अभी ट्रेन में हूँ और एम्स्टरडेम स्किफुल एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ट्रेन का बताऊँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, ठीक ठाक ही है। और वहाँ पे पहुँच के क्या क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको पहुँच कर डिटेल में बताऊँगा। CL 877 वो मुंबई जाने के लिए 11:55 की फ्लाइट है और दिखा रहा है चेक इन 12 से 15 काउंटर के बीच में होगा और डिपार्चर गेट नंबर रहेगा 2। तो चलो चलते हैं। सो मैं अभी आ गया हूँ चेक इन काउंटर्स के पास में और मेरी फ़्लाइट का चेक इन काउंटर रहेगा 9 to 16 के बीच में। तो उधर चलते हैं और उसके पहले एक बार बैगेज वेट भी कर लेते हैं। सो हियर वी आर एट चेक इन काउंटर्स गाइस। सो क्राउड तो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। बट गुड थिंग इज़ कि सब लोग मास्क पहने हुए हैं। और अभी चेक इन काउंटर्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी फ़्लाइट है KLM जो डायरेक्टली एम्स्टरडेम टू मुंबई के लिए है। सो एज़ एक्सपेक्टेड एम्बेसी के अप्रूवल को लेके थोड़ा सा इशू हो रहा था। वो बोल रही थी आप मुझे अप्रूवल दिखाओ, बट फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, हमको ये एक्नॉलेजमेंट लेटर ही मिला है। फिर उसने अपनी कलीग से चेक किया तो फिर उसने कहा ओके डेट इज़ फाइन। फिर उसने बोर्डिंग पास हैंड ओवर कर दिया और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अभी आगे चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सो सिक्योरिटी चेकिंग इज़ डन एंड बहुत ही स्मूथली हो गया। सो नेक्स्ट इज़ इमिग्रेशन काउंटर। ऐसा है कि इमिग्रेशन भी हो गया है और इमिग्रेशन में उन लोगों ने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया, पासपोर्ट चेक किया और RP कार्ड भी उनसे मांगा। ये तीन चेक चीज़ें चेक करी और जाने दिया। सो अब हम आ गए हैं हेल्थ चेकअप काउंटर पे। यहाँ पे ये लोग हमारा टेम्परेचर देखेंगे और अगर इनको थोड़ा सा भी ज़्यादा लगेगा तो फिर वो लोग बोलेंगे कि बाहर बैठिए थोड़ी देर जब तक आपका नॉर्मल नहीं हो जाता। सो ये बेसिक हेल्थ असेसमेंट फॉर्म फिल करके इनको सबमिट करना है। Thank you.
सो अब फ्लाइट में एंटर करने का टाइम हो गया है, बट उसके पहले बोर्डिंग पास चेक होगा। बोर्डिंग पास चेक्ड, और अभी लोग फेस शील्ड एंड मास्क प्रोवाइड करेंगे, तो इसको पहनना कंपलसरी है। सो आप देख सकते हो फ्लाइट ऑलमोस्ट एम्प्टी है। आई थिंक 25-30% ओनली सीट्स आर फिल्ड, और लोग सोते हुए जा रहे हैं आराम से। तो यस, बनता है बॉस, अपन भी सोते हैं और मस्त। सो फ्लाइट में इन लोगों ने इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर्म जो है वो फिल करवाया, और लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद हम फ्लाइट से बाहर आए और फिर ये फॉर्म सबमिट किया। तो अब आगे जाएंगे और देखते हैं क्या करना है। सो अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये लोग हमारे बोर्डिंग पास का प्रिंटआउट निकाल के अपने पास रख रहे हैं फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न, और इसके बाद जाएंगे इमिग्रेशन के लिए।